नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिन में माता के कौन से स्वरूप की पूजन एवं आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजन एवं उपासना की जाती है। प्रथम दिवस की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। इसके साथ ही साथ साधक को मूलाचार चक्र जागृत होने से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना से मनवांछित फल और कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने असल रूप में पृथ्वी पर ही रहती हैं। इन 9 दिनों में पूजन कर हर व्यक्ति माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है, जिसके लिए वह माँ के 9 स्वरूपों की पूजन एवं अर्चना और व्रत रखता है, जिससे माँ की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। माँ अपने बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखती है, क्योंकि माँ अपने किसी भी बच्चे को परेशान नहीं देख सकती। तो दोस्तों, आइए हम आपको अवगत कराते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी से। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम प्रशारूणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री को हम देवी सती के नाम से भी जानते हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करती रही। सती की ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती अत्यंत दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं राजा दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वह दुखी हो गए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए शिव ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इससे सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो दोस्तों, यह तो थी माँ शैलपुत्री की कथा, लेकिन हम आपको माँ शैलपुत्री से जुड़े और भी कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं। दोस्तों, देवी शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यह माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है।
माँ शैलपुत्री को हम देवी हेमवती के नाम से भी जानते हैं। उपनिषद ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। माँ शैलपुत्री स्त्रोत्र। प्रथम दुर्गा त्वयि भवसागरः तारिणी धन ऐश्वर्य दायनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं त्रिलोक जननी त्वयि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यरोग्य दायनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं चराचरेश्वरी त्वयि महामोह विनाशना मुक्ति भुक्ति दायनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे अगले वीडियोस में हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप इस सीरीज़ से जुड़े किसी भी अपडेट्स को मिस ना कर पाएँ। जय माता दी।